ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं यहाँ पर आईबेल कंपनी की, देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, और यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं। इनपुट पावर ये 280 वाट की है, यानी 280 वाट की, और जो इसके आरपीएम है वो 750 आरपीएम है। चक साइज 10 एमएम का है। सीधे मशीन पर आते हैं, कह रही हमारी मशीन, इसकी जो प्राइस है वो लगभग 1500 रुपये है, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक वाली हम प्लग लगाएंगे, और अब मैं आपको फीचर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो है ये इसका एक्सीलरेटर है, नहीं जितना दबाएंगे मशीन आपकी उतनी आगे को चलेगी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कूलिंग फैन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें एसी की मोटर है, ठीक है, तो वो ताकि वो गर्म ना हो इसके लिए यहाँ पर फैन जरूरी होता है। हर एक ड्रिल मशीन में ये लगा होता है, आपको पता होगा। अब देखिए, इसको चला के दिखाता हूँ। देखिए, ये स्लो चल रही है, अब हम इसको दबाएंगे और बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेटर। उसके बाद ये इसको लॉक करने का स्विच है। लॉक करने का मतलब कि इसको आपको दबाया, इस तरह से लॉक कर दिया, तो ये फिर क्या होगा, ये चलती रहेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर टॉर्क की सेटिंग्स दी गई हैं। यहाँ पर नंबर वन सबसे कम पावर का टॉर्क है, उसका इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से पावर को, यानी कि इसकी जो स्क्रू टाइट करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, नंबर वन पे। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही सब लिखा है जो बॉक्स के बाहर लिखा है, 750 आरपीएम, 10 एमएम जो है चक साइज, 280 वाट, आई बैलेंस, सिक्स मंथ की वारंटी। अगर आप इसको इस तरफ से दबाते हैं, ये जो बटन आपको दिख रहा है ऐसे, तो फिर आपके देखिए जो चक घूमेगा, ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए, ठीक है। और जब हम इसको इधर से दबा देते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं इसमें बिट लगाता हूँ और इसको चला करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर ड्रिल बिट कैसे लगाएंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे और फिर इसको ये वाला चक हम इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको हम बटन दबाएंगे तो ये ओपन होगा। अभी आप देखिएगा, कस करके ओपन हो गया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर अपनी ये बिट अलग से परचेस करनी पड़ती है, इसके साथ में नहीं मिलती है, इस तरह से लगाएंगे और बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे, आगे वाला ये चक्का इसको पकड़ लेंगे, चक्का जो आगे का हेड है इसको, ठीक है, इतना करने के बाद कस के पकड़ेंगे आगे वाला चक और इसको दबाएंगे, ये लॉक हो गया। टॉर्क बढ़ा करके लॉक कर लेंगे तो और अच्छे से मशीन लॉक हो जाएगी, ठीक है, लॉक हो गया। अब ये, अब हम इसमें स्क्रू कसने के लिए तैयार हैं किसी भी लकड़ी में, तो अब हम छोटे से स्क्रू से टेस्टिंग करते हैं। ये वाला हमने एक स्क्रू ले लिया और इसमें कोई भी अभी होल नहीं है, किधर से भी आप देख सकते हैं फ्रेश है। और अब हम इसी टॉर्क पे या नंबर वन पे, नंबर बस मैंने इतना करा है, एक के बाद दूसरे पे लाया हूँ, और ये इस तरीके से है, ये रहा स्क्रू, यहाँ पर हम इस तरीके से होल्ड करेंगे, देखिए, और बस इसको रख करके मशीन को चला देंगे। यह हो गया है, ये देखिए पूरा अच्छे से स्क्रू हमारा आर पार हो गया, टाइट हो गया। निकालेंगे कैसे, इस बटन को दबाएंगे और इस तरीके से निकल गया। हम टेस्ट करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये लकड़ी वाले यानी वुड वाले स्क्रूज हैं, इस तरीके से रखेंगे और बस मशीन को चला देंगे। और मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ, पास से ऐसे पकड़ के हम रखेंगे तो हमारे टेबल में नहीं जाएगा। ये देखिए, अच्छे से आर पार हो गया स्क्रू, इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया, मैं यूज करूंगा यहाँ पे मेटल की ड्रिल, ये देख सकते हैं आप,
8 mm और हम यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेश है, कोई होल नहीं है। यहाँ पर हम करके देखते हैं इस तरीके से और चलाएंगे। ठीक है, एक बारी में अच्छे से बिट हमारे काम करते हैं, मशीन भी कहीं पर नहीं रुकी। यहाँ पर टेस्ट हो गया। अब हम मेटल बिट का टेस्ट करेंगे। अब हम टेस्ट करेंगे मेटल बिट, ये हमने लगा दी यहाँ पर 4 mm की मेटल बिट, और यहाँ पर एक ये मेटल शीट ले लिया। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है मशीन का। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कोई भी होल नहीं हो रखा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर रख के हमको ऊपर से इसको चलाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये आर पार हो गया है, और वुड के काम से ज़्यादा अच्छी ये मशीन है। मेटल में भी काम करती है, लेकिन ज़्यादा मोटी ज़्यादा थिक मेटल शीट्स पर काम नहीं करेगा, इसमें फिलहाल ही काम कर गई है। और इस तरीके से मशीन है, मैसनरी बिट भी काम करेगी, और मैसनरी बिट का एक टेस्ट भी हम इससे करके देखते हैं कि ये काम करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों, मैसनरी बिट लगाने के बाद अब मैं ट्राई करता हूँ इस मशीन से कि ईट में होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी, और ये तो ईट है यानी कि दीवार में नहीं हो पाएगा छेद, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाए तब जाकर के इतना हो पाया है। देखिए, तो आप देखिए कितनी बिट इसके अंदर गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इतनी बिट इसके अंदर गई है, इतनी। तो इस तरीके से ये पूरा मशीन का वीडियो है, रिव्यू है, और इसकी टेस्टिंग है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।